आप सबका स्वागत है 100 लिट के नए वीडियो जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कैनरा बैंक की जो वैकेंसीज निकली है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए। ये वैकेंसीज एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट होगा दो पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स लेना पड़ेगा जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस दिलवाएगा। ये कोर्स कैनरा बैंक करवा रहा है दो इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। पहला है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज बेंगलुरु के अंदर और दूसरा है निटी एजुकेशन इंटरनेशनल जो कि है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और दोनों UGC से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसके अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल के लिए आपको कहाँ जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, वो कहाँ से पता चल सकता है आपको इसकी सारी डिटेल्स, तो हम आपको लाइव दिखाएंगे डायरेक्टली कहाँ से आप ये सारी डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक डिटेल और इस पूरी वैकेंसीज के एसेंशियल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ब्राउज़र के अंदर हमें लिखना है कैनरा बैंक .com, तो ये कैनरा बैंक की साइट खुल जाती है। इसको बंद कर देते हैं। अब ये कैनरा बैंक की साइट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमें जाना है कैरियर्स के अंदर, ये देख रहे हैं कैरियर्स, ये वाइट हो गया। मैं इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। कैरियर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फिर से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अब इसके अंदर रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर देखिए न्यू दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए आप। अब ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो निकला है। अब इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के नीचे लिखा हुआ इंग्लिश और हिंदी, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, और ये सारे फॉर्मेट्स हैं। अब ये वाले दो बटन इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन ये बता रहे हैं कि आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है, और ये वाला बटन बताता है कि आपको अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है। इसको दबाएंगे तो अप्लाई करने चले जाएंगे, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट हैं जो आपको लगेंगे। तो चलिए हम इंग्लिश वर्जन क्लिक करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन खुल गया। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्पेशली डिजाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस। अब इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको, बट ओवरव्यू में दे देता हूँ। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं उन जो लोग इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों को 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में। जो कौन देगा? दो इंस्टीट्यूट देंगे, बेंगलुरु का मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन और निटी का एजुकेशन इंटरनेशनल जो कि ग्रेटर नोएडा में, दोनों UGC अप्रूव्ड हैं। इस कोर्स में क्या होगा? इस कोर्स में 9 महीने की क्लासरूम स्टडीज़ है और फिर 3 महीने की इंटर्नशिप है कैनरा के ब्रांच ऑफिसेज में। तथा ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसके अंदर जो भी सिलेक्ट होगा उसको कैंपस में रहना पड़ेगा। अब
एडमिशन आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके बाद में जीडी और पीआई होगा, उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी। और एंट्री मिलने के बाद जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जैसे कि लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स वुड बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट इन द बैंक एज पीओ इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यानी गारंटी है जॉब की। अब आपको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है आपको www.canarabank.com पे। इसके अलावा और कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जो डेट्स आई हैं वो ये आई हैं 23/10/2018 से 13/11/2018 तक। इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म फिल करने की डेट्स ये है। कॉल लेटर आपका आ जाएगा टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट के लिए 5/12/2018 के बाद, और टेस्ट शेड्यूल होने की टेंटेटिव डेट है 23/12/2018। तो ये प्रोसेस है, ये आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। वैकेंसीज की क्वांटिटी है एससी की 120, एसटी की 60, ओबीसी की 216, जनरल की 404, टोटल है 800 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर फिर विजुअली चैलेंज 8 है, और ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर है। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए एज ऑन 1/10/2018। इसमें रिलैक्सेशन किस हिसाब से है, रिलैक्सेशन आपका दिया गया है 1 सर्विसमैन को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के इस नोटिफिकेशन के अंदर बताए गए हैं। अब ये सारी एब्रीवेशंस हैं, ये आपके काम आएंगे। जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन, वीसी का मतलब विजुअली चैलेंज्ड, आईडी का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे करके हैं सारे। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है कि एजुकेशन के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, एससी एसटी के लिए 55%, किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू। ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर 60% मार्क्स से, और 55% एससी एसटी के लिए। एज मैंने बताई दी आपकी, इंस्टीट्यूट्स मैंने बता दिया आपको, पेमेंट। अच्छा हाँ, इंस्टीट्यूट्स के बाद में इस कोर्स की फ़ीस क्या है। अब इस कोर्स की फ़ीस है, अगर मणिपाल से करते हैं तो कोर्स की फ़ीस है 3.5 लाख रुपये जीएसटी के बाद में, जो कि जीएसटी लगेगी लगभग 63,000 रुपये, तो टोटल आपकी फ़ीस लगेगी 4,13,000 रुपये। अगर आप निटी से करते हैं तो 3 लाख रुपये फ़ीस है, टैक्सेस 54,000 रुपये है, 3,54,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी एक साल की, जिसके अंदर रेजिडेंशियल इंक्लूडेड है। ज़्यादा तो नहीं है, सही फ़ीस है। क्यों सही फ़ीस है, क्योंकि एक साल की इतनी लगेगी, जिसके अंदर 22,000 की पे स्केल के ऊपर। अच्छा, पे स्केल बताऊँगा तब समझ में आएगी आपको, चलो कोई नहीं। तो इस फीस के बारे में क्या किया गया है कि कैंडिडेट इसको एक साथ दे सकता है, यानी लमसम पेमेंट कर सकता है, या फिर 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। कैसे, 50% शुरू होने से पहले और 50% 2 महीने के बाद में। तो इसके अंदर हाँ, एक और चीज़, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द कोर्स एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा बैंक के साथ में, मिनिमम 5 ईयर्स का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PGDBF कोर्स के, कि वो 5 साल तक बैंक के अंदर ही रहेंगे। अगर कैंडिडेट किसी अवस्था में ये 5 साल का बॉन्ड पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बैंक को कंपनसेट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए देकर, एप्लीकेबल टैक्सेस के साथ। ये है सैलरी।
23,000 रुपये का ब्रैकेट है जो बढ़ के 42,000 रुपये, मतलब जिसमें जुड़ जुड़ा के 42,000 रुपये की आपकी पे स्केल आएगी। अब 42,000 रुपये अगर आप 12 महीने के हिसाब से देखते हैं तो 248,000 रुपये होते हैं, और कोर्स की फ़ीस कितनी है, 3.5 लाख रुपये। तो अगर आप 5 साल का बॉन्ड भर रहे हैं तो यानी लगभग आपकी जो सैलरी आएगी 5 साल की वो 10 लाख की होगी, और 10 लाख में से आपको 3.5 लाख रुपये बेसिकली कोर्स के दे रहे हो आप, तो अच्छी चीज़ है ये। कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और या फिर उसे 6 महीने के अंदर बैंक ज्वाइन करने के अंदर अंदर कंप्यूटर की नॉलेज ले लेनी है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ कंप्यूटर पे होती है और बैंक के अंदर तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज नेसेसरी है। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन है, 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, और बाकी सब दे रखे हैं यहाँ पे। और नीचे क्या दे रखा है, एप्लीकेशन फ़ीस 118 रुपये SC ST के लिए, बाकी सब के लिए 708 रुपये। ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा इसका। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करना है canarabank.com पे जाके ऑनलाइन। इसकी पूरा लिंक भी दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने की बजाय आप यहाँ पे क्लिक करें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लिंक आपको सीधा वहीं ले जाएगा जहाँ अपन थे। मैं आपको वापस दिखा दूँगा। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि IBPS मुंबई के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और हिंदी में, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल स्कोर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स 200। नेगेटिव मार्किंग होगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, कितनी होगी वो अभी बताई नहीं गई है। बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम कट ऑफ क्या रखनी है। रॉन्ग आंसर्स, ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4, 0.25 नंबर हर नेगेटिव आंसर के कटेंगे, और अनअटेम्प्टेड आंसर के कोई नंबर भी नहीं कटेंगे तो कोई मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे। ये सारे ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी सब नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हाँ, आपके फ़ायदा एक तो आपका मैंने आपको बताया आपका पे ग्रेड क्या होगा और उसका पैकेज कितना मिलेगा। दूसरा ये है कि आपका जो 9 महीने का कोर्स है जिसके अंदर क्लासरूम होगा, उसके अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 3 महीने के प्रोबेशनरी कोर्स पे आएंगे तो आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाएगा, और यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ों के लिए 4,000 रुपये का रीइंबर्समेंट भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद में लॉयल्टी बोनस भी देता है। लॉयल्टी बोनस कैसे दिया जाएगा कि बैंक आपकी पूरी कोर्स की फ़ीस रीइंबर्स कर देगी लॉयल्टी बोनस के थ्रू, इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 साल के बाद में। मानी आपने 3.5 लाख रुपए, लेट सपोज आपने 3.5 लाख रुपए दिए और 5 साल तक बैंक में नौकरी की, तो 5 साल के बाद में 5 साल तक यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां हर एक साल में आपके वो 3.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको वापस बैंक रीइंबर्स कर देगी एज लॉयल्टी बोनस। तो आपका काम हो गया। कॉल लेटर इस पर नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, अनाउंसमेंट आपको कैनरा बैंक की साइट पे मिलेंगे। इसमें GD और PI होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो ये पूरा कैनरा बैंक की वैकेंसीज के बारे में है। अब आपको वापस ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाती है ये, जिसके अंदर ये पूरा दे रखा है। यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म खुलने के बाद में आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके बारे में जानकारी चाहिए और चाहते हैं कि उसका वीडियो बनाएं तो आप हमें बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।